सब पीछे आ जाओ, बार बार पूछ 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 चलिए हमारी भाई साहब मैं पूछ रहे दिखने जाओ हमारी भाई ये मोबाइल चाइना मोबाइल चले शिव सबसे पहले आज के अरे भाई धक्का मारा मैं बहुत मारेगा अरे यार शुरुआत उससे करते अरे चाइना फोन नीचे मैं हमेशा वहीं पे भी बोला कि कोई इवेंट में आना और वहां पे अच्छी बातें होगा क्योंकि लोग इन्वेस्ट करते घर के लिए तो मैंने पहले पूछा कि एग्जैक्ट क्या है तो वो एक अच्छी चीज ये है कि आप जब घर लेते हो पूरे लाइफ का पैसा उसमें डाल के घर होता है आपका कहीं भी पुणे हो मुंबई हो अभी मुझे पूछोगे तो मेरी दीदी और मैंने पूरे जमा करके फिर जाके हम अभी अमरावती में घर ले सके तो वो घर लेने के बाद वो ट्रस्ट होना चाहिए तो संपत्ति ग्रुप का एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको घर सिर्फ दे नहीं देती है उसका मेंटेनेंस जो भी चीज़ें होती है वो मेंटेन करते हैं उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी वो देते हैं उसके बावजूद मतलब आप घर लेने के बाद भी उनको कॉल करोगे लगता है अच्छे इंटेंशन से शुरू किया और बने और आगे जाए खतरों की बात करें आपकी जो जर्नी है काफी कमाल की रही है अब फाइनल बहुत जल्द आने वाला है दीनू का नाम सबसे ऊपर आ रहा है फाइनल की रेस में जीतने वाले आप अगर कुछ इस पे कमेंट करना चाहो क्या होगा यार मैंने पूरे खतरों के खिलाड़ी में बोला कि सबसे ज़्यादा अगर मेहनती और डिजर्विंग बंदा है तो डीनो है और हर शो में सब लोग अपनी अपनी चीज़ें लेके आते हैं जीतने के लिए आते हैं बट एक होता है कि वो डिजर्विंग कौन है तो जितने स्टंट मैंने देखे मैं तो दोस्त है इसीलिए नहीं बट एज अ प्लेयर एज अ कंटेस्टेंट वो डिजर्व करता है और मुझे लगता है उसको मिलेगा जो डिजर्व करता है इल्विश या अभिषेक किसे सपोर्ट कर रहे हैं यार दोनों अच्छे हैं यार दोनों मतलब आप ऐसे मतलब मुझे लगता है बिग बॉस में ऐसी चीज़ें होती है जब लास्ट जो दो लोग रहते हैं कि दोनों में कंफ्यूजन होता है कि किसे वोट करें वो दोनों है और जिया और मनीषा भी अच्छी बट आपका सब मैं सेफ खेल रहा हूँ पर एल्विश आर्मी के बारे में जिस तरह पूरा हिला दिया है मौसम मैंने मैंने कल या परसों स्क्रीनशॉट देखा है कि बाकियों की वोटिंग और एल्विश की वोटिंग का ग्राफ सिस्टम हिलाने वाला बंदा है वो और इसलिए उसके साथ उतने खड़े हैं क्योंकि वो रियल है और मुझे लगता है रियल जब बंदा होता है तो लोगों से कनेक्ट होता है इसलिए उसका ग्राफ 50% से भी ज्यादा है जो बाकी लोग एक साथ इतने मुझे 50% में दिखे थे और ये 90 में था बंदा तो वो डिजर्व करता है इसी के ऊपर अर्चना ने एक कमेंट किया था कि ना रियल बिग बॉस के अंदर सी और एमसी स्टैन के बीच में भी पॉपुलैरिटी को लेने के बाद डिजर्विंग कोई और था और ट्रॉफी किसी और को मिली है जो हुआ तो हुआ भाई आगे खतरों की खिलाड़ी मिला उसका हफ्ते के पैसे भी मिले मुझे और आगे शो भी मिला तो अभी मैं खुश हूं जो हुआ वो गया वो पहले पास था मेरा हो गया चलो भाई चलो चलो